तो आज आप क्या किए हैं, दसवां का मैथ का एग्जाम लेके आए हुए हैं, ठीक ना। उम्मीद है आपका एग्जाम क्या गया होगा, बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि इस वक्त का जो एग्जाम का क्वेश्चन है बहुत बहुत इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप तो कंफ्यूज आ गए होंगे कि कौन क्वेश्चन बनाए कौन क्वेश्चन छोड़े, ठीक है। तो चलिए आप एग्जाम तो दे दिए, अब आगे का काम क्या है, तो उसका आंसर जानना कि आपका जो आंसर है वो सही हुआ है या गलत है, ठीक ना। तो वो कौन बताएगा, हम बताएंगे। तो चलिए इसके लिए हम क्या किया है, वीडियो बना दिए हैं, और आज का जो वीडियो है वो क्या है, फर्स्ट सिटिंग का है। ये जो वीडियो है वो फर्स्ट सिटिंग का है, पहला सिटिंग का है। जो दसवां का मैथ का एग्जाम दिए ना आप, वो फर्स्ट सिटिंग का वीडियो है, और सेट नंबर बी का, सेट नंबर बी का ये वीडियो है। आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। यहाँ पर जितना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 100 में आपको 50 को बनाना था, आप कोई भी 50 को बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि शुरू से ही बनाना है, कहीं से भी आप 50 क्वेश्चन बना सकते थे। तो उम्मीद है कि आप अच्छा से आंसर दे चुके होंगे। अब मिलाने के लिए आपको करना क्या है, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और खूब का खूब क्या कर सकते हो, घर पर बैठे बैठे मिला सकते हो कि आपका कितना नंबर ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप क्या करोगे, अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, इसे इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा देंगे, उसका भी वीडियो बना देंगे। और अगर आपको सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन दो नंबर या क्वेश्चन हुआ या 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन हुआ उसका आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो बना देंगे। और एक काम जरूर कीजिएगा, एक काम जब आंसर मिला लीजिएगा ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, ताकि हमको भी पता चल जाए कि कितने बच्चों कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले से आप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, तो आगे बढ़ने को उतना जरूरत नहीं होगा, फिर से भी ला सकते हो, लेकिन फिर भी हम आंसर आपको बोल देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन के साथ साथ जो विकल्प है, जैसे यहाँ पर 38 का बी है, तो बी में क्या लिखा हुआ है, 55, वो भी हम लिख चुके हैं, सब लिख दिए हैं, तो आपको मिलाने में कोई दिक्कत होने वाला यहाँ पर नहीं है, है ना, कोई दिक्कत होने वाला यहाँ पर नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ऑप्शन बोलते हुए जाते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपके पास होगा जो सेट बी है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा आपका, सेट बी इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके पास, होगा ना। तो सेट बी जो इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हम पढ़ के बताएंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो, इसे हम क्वेश्चन पढ़ने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला का आंसर है डी, दूसरा का सी, तो फर्स्ट मिलाना, तीसरा का सी, चौथा का ए, पांचवा का बी, छठा का डी, सातवां का सी, आठवां का ए, नौवां का डी, दसवां का बी, ठीक है आगे, 11 का डी, 12 का बी, 13 का सी, 14 का ए, 15 का डी, 16 का बी, 17 का ए, 18 का सी, 19 का सी, 20 का सी, 21 का डी, 22 का डी, 23 का ए, 24 का ए, 25 का सी, 26 का बी, 27 का बी, 28 का बी, 29 का सी, 30 का डी, 31 का डी, 32 का सी, 33 का सी, 34 का डी, 35 का सी, 36 का बी, 37 का सी, 38 का बी, 39 का ए, 40 का बी, 41 का डी, 42 का सी, 43 का बी, 44 का डी, 45 का सी, 46 का सी, 47 का सी, 48 का ए, 49 का बी, 50 का डी, ठीक है, मैं सब ठीक मारते जाइए। 51 का सी, 52 का ए, 53 का सी, 54 का बी, 55 का ए, 56 का डी, 57 का ए, 58 का बी, 59 का सी, 60 का बी, 61 का सी, 62 का ए, 63 सी, 64 ए, 65 सी, 66 ए, 67 डी, 68 ए, 69 डी, 70 सी, 71 बी, 72 बी, 73 बी, 74 सी, 75 बी, 76 सी, 77 बी, 78 बी, 79 बी, 80 ए, 81 बी, 82 ए, 83 डी, 84 बी, 85 बी, 86 डी, 87 डी, 88 डी, 89 बी, 90 डी, 91 डी, 92 बी, 93 ए, 94 सी, 95 ए, 96 ए, 97 ए, 98 बी, 99 बी, 100 ए। तो ये था आपका आंसर सेट नंबर बी का।
ठीक ना। तो ये सिर्फ सेट नंबर बी का ही नहीं है, हम हर एक सेट का आपको क्या किए हुए वीडियो बना चुके हैं। आपका जो भी सेट हो आप वहां से वीडियो सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा और उसको आप क्या करोगे मिला लोगे, ठीक है। तो चलो चलिए मिलते हैं कल का तैयारी कर लीजिएगा। कल क्या है, साइंस है ना, तो साइंस का अच्छा सा तैयारी कर लीजिए। साइंस का भी वीडियो हम बनाकर आपको डाल देंगे। जब साइंस का मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम के, मेरे बच्चे जो मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं बच्चे आ जाएंगे, क्वेश्चन मेरे हमको दे देंगे, तो उन बच्चों के जो क्वेश्चन रहेगा उससे हम क्या करेंगे आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल।